चलिए अपनी एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, ऑल इंडिया रैंक 137 है, शावनी शाह से मिलते हैं जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और इन्होंने इन्होंने 137 रैंक पर एनआईटी वारंगल को ऑप्ट किया। तो सबसे पहले बेटा आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम शायनी शाह फ्रॉम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल एंड मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में किया है फ्रॉम आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप मुझे बताओ कि आपने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद आपने एक साल का ड्रॉप लिया, तो आपका जो सक्सेस जर्नी है, मतलब आपने सबसे पहले तो एमसीए और निमसेट के लिए कब सोचा, फिर किस ढंग से आपने प्रिपरेशन कैसे की, और जब आपको ड्रॉप लेने का समय आया तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए। मैं चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस जर्नी जरूर बताएं। वेस्ट बंगाल के काफी बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए थे, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? सर एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी तो जैसे मैंने फाइनलाइज किया था कि एमसीए की तरफ लाइक जाना है मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन, तो फिर मैथ्स के लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि जैसे ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है कोचिंग में, एंड फिर इम्पीडेंस जैसे बहुत दूर भी पड़ता है डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो जैसे थर्ड ईयर में तो सर फिर कोविड आ गया, तो थर्ड ईयर में हम लोग अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम को लेके बहुत सीरियस थे, अपने कंप्यूटर साइंस ऑनर्स को लेके बहुत सीरियस थे, और सिर्फ मैथ्स में सिर्फ सेल्फ स्टडी में जितना हो सका हम लोगों ने किया। फिर जब नीम से 2020 का एग्जाम हुआ अक्टूबर में, तो वेस्ट बंगाल में एक ही सेंटर होता है कोलकाता, एंड इंटायर नॉर्थ बंगाल से बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, सबको जाना पड़ता है कोलकाता। तो मैंने सोचा, मतलब मेरे प्रिपरेशन बहुत ही कम था, तो मैंने सोचा कि इट विल बी नॉट वर्थ इट इतना दूर ट्रैवल करना कोविड में। तो फिर आपके यूट्यूब में सेशंस मैंने देखे थे, मेरे और भी फ्रेंड्स दो तीन फ्रेंड्स हम लोग सब सोच रहे थे कि एमसी के लिए क्या करे, कहाँ बेटर कोचिंग मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एकदम ही अंडर ट्रेनिंग नहीं थे। सिर्फ हम लोग ने एक बुक खरीदा हुआ था एमसीए के क्वेश्चंस के लिए। तो फिर मैंने यूट्यूब सेशंस में देखा आपके वीडियोस, आपका जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगा, कंफर्टेबल लगा स्पीड एंड ऑल। तो फिर मैंने इंपीडियस में कॉल करके इंफॉर्मेशन सब कुछ लिया, तो फिर मैंने लास्ट ईयर निमसेट के पहले ज्वाइन किया ऑनलाइन बैच, क्योंकि ऑनलाइन था तो मेरा और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कोविड सिचुएशन में तो कोई भी नहीं चाह रहा था कि वहां जाके क्लास करना पड़े, तो फिर तब से मैं इंपीटस से ज्वाइन थी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इंपीटस के ऑनलाइन क्लास का, कैसा फील हुआ आपको? फील तो एक्सपीरियंस मेरा एकदम डे वन से अच्छा है। जैसे डे पहले तो जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल करते हैं, तो फिर सबका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, लाइक डे वन से लेके एकदम लास्ट जब भी मैंने कांटेक्ट किया सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मेरा अकाउंट क्रिएट करना, ये पेमेंट एंड एवरीथिंग सब कुछ बहुत स्मूथ था। और फिर जब क्लासेस स्टार्ट हुए, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो बाइनोमियल शुरू हुआ और मेरा सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन छूटा था, तो थोड़ा तब डिफिकल्ट हुआ कवर अप करने में। और फिर मेरे टेस्ट में भी, मतलब फर्स्ट इनिशियल टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं एक ही सम पे टाइम दे रही थी, अपना वो स्ट्रैटेजी बिल्डअप नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पूरा एकदम स्ट्रैटेजी बिल्ड हो गया। और मतलब इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जब भी जैसे कोई डाउट, जैसे आपका व्हाट्सएप या फिर कुछ में आप हमेशा अवेलेबल होते थे, लेकिन मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि डाउट्स हमेशा क्लास में कवर्ड हो जाते थे नेक्स्ट डे, तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। और ऑनलाइन पढ़ते हुए घर में किसी तरह के चैलेंजेस आए, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन रहना रहता है, तो आपको ऐसे कोई चैलेंजेस फेस हुए या कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई? सर ऐसे मतलब वैसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने डिटरमाइन कर लिया था कि ये वन ईयर में दे रही हूँ, अपना एक वन ईयर ड्रॉप हो रहा है मेरा, तो आई हैव टू डू एवरीथिंग टू मेक इट वर्थ माय टाइम, ताकि ये वन ईयर में जो मेरा, क्योंकि सर मैंने इसके पहले तो प्लेन ग्रेजुएशन किया ऑनर्स में, तो फिर अब मैं अगर इस वन ईयर में सीरियस नहीं रही और लाइक एनआईटी का अगर टैग मुझे नहीं मिला, तो मेहनत तो पूरी बेकार हो जाएगी। तो वो बोल बोल के आई वॉज डिटरमाइंड, बट हाँ ऐसे डेज थे जहाँ पे खुद पढ़ते पढ़ते क्या होता है सर, कभी कभी मन नहीं करता है, वो मोटिवेशन नहीं आता है, वो पुश नहीं आता है अंदर से, लेकिन आप हर क्लास में आप इतना मोटिवेट करते थे सब लोगों को, इवन जब क्लास चलता था तो मेरी मम्मी भी सुनती थी बैकग्राउंड से कि आप ऐसे मोटिवेट कर रहे हो स्टूडेंट को, तो उनको भी बहुत पसंद आता था, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब मैंने कोशिश किया कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, तो इट वाज ओके।
चलो बहुत ही अच्छी बात लगी आपसे सुन के, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में क्या है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वैसे देखा जाए तो अपने आप में बहुत अच्छा, जो बच्चे भोपाल नहीं आ सकते उनके पास घर पे उसी लेवल की क्लासरूम मिल जाती है और वो घर पे इतने अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, बाहर जाके और भी चले जाते हैं रहने के, हॉस्टल्स के, ये अलग अलग। पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अब इम्पिटस के बच्चों के को मिलता है या पूरे इंडिया में बच्चे पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को और स्पेशली उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो ड्रॉप लेने से कई बार घबराते हैं या ड्यूल माइंड होते हैं उनको? सर, ड्रॉप लेना एक ऐसे हो जाता है ना कि मतलब ड्रॉप लेने से पहले हम लोग बहुत सोचते हैं कि बाहर के लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, पूछेंगे कि एक ईयर ड्रॉप। लेकिन जब अगर हम लोग पूरा डिटरमाइंड हो जाते तो कब वो टाइम चला जाता है प्रिपरेशन में पता ही नहीं चलता। जैसे मेरा 10 मंथ्स था इन टोटल, मेरा जो ड्रॉप का पीरियड था इम्पीटस में, 10 मंथ्स कहाँ से चला गया सर, लास्ट में तो पता ही नहीं चला। सो इफ यू आर सीरियस आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। अगर एक बार गोल सेट हो गया, और जैसे आपने सर कहा था एक क्लास में कि बहुत लोग ये ड्रॉप पीरियड में बहुत सारे एग्जाम्स का फॉर्म भर देते हैं, एमएससी, किसी को एमएससी में जाना था, किसी को एमसीए, किसी को दूसरे जॉब एग्जाम्स, लेकिन मैंने एक भी दूसरा एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा था। आई वॉज डिटरमाइंड कि मुझे किस तरफ में जाना है, मैंने सिर्फ नीमसेट एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था क्योंकि उसका सिलेक्शन नीमसेट से होता है, और मैंने सिर्फ महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म भरा था इन केस। तो मेरा मतलब था कि एक ही फील्ड में मुझे जाना है, तो अगर मैं एक ही डायरेक्शन में अपना एफर्ट दूं कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही, लाइक इन वर्स्ट केस सिनेरियो भी कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही बात। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके एक्सपीरियंस और आपसे बात करके, काफी मजा आया। जो बच्चे सुनेंगे वो काफी कुछ सोच पाएंगे। एक्चुअल में अगर सारी चीजों से एक बात निकल के आती है, आपका फोकस बहुत क्लियर था और आप पूरे साल उस फोकस से कभी हटे नहीं, तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब वारंगल में भी आप ऐसे ही परफॉर्म करिए और अपने पॉइंटर को वहां मेंटेन रखिए, अच्छा जॉब लीजिए, और जो भी जूनियर्स हैं, जो भी मिसगाइडेड हैं, उनको गाइड करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।